कर्नाटक में कांग्रेस की 5 गारंटी कुछ और नहीं बल्कि एक चुनावी स्टंट भर था। ये हम नहीं बल्कि सिद्धरमैया सरकार के मंत्री एन चेलुवरैया स्वामी का कहना है। असल में एन चेलुवरैया स्वामी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की 5 गारंटी वाला वादा केवल चुनावी हथकंडा था। स्वामी ने कहा कि हमें चुनाव जीतने के लिए इस तरह की सस्ती लोकप्रियता की जरूरत थी, चाहे हम इसे स्वीकार करें या न करें। कृषि मंत्री ने कहा कि यह हथकंडा समाज के लिए कुछ करने की शक्ति हासिल करने के लिए अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं हमारे लिए सत्ता हासिल करना जरूरी हो गया है। जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वामी ने स्वीकार किया कि देश की भलाई के लिए मुफ्तखोरी खराब है और कांग्रेस पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। हमने भी इस पर चर्चा की, ये गलत है। कर्नाटक में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद इन 5 गारंटियों को लागू करने का वादा किया था। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने लोगों को जो गारंटी का वादा किया था, वो मुफ्त उपहार नहीं है और इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबों एवं समाज के दबे कुचले लोगों को सशक्त बनाना है। परमेश्वर ने जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत ध्यान से अध्ययन करके और पूरी जिम्मेदारी के साथ गारंटी देने का वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों और मध्यम वर्ग के हितों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस को बड़ी संख्या में वोट करके सत्ता में लाए और उनके विश्वास की रक्षा की जानी चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि सरकार बजट में आवश्यक निधि आवंटित करने के बाद इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रणाली बनाएगी। निर्वाचन आयोग कर्नाटक विधान परिषद की 3 सीटों पर 30 जून को उपचुनाव कराएगा। ये सीटें हाल में हुए विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सदस्यों के इस्तीफे के कारण खाली हुई हैं। आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि बाबूराव चिंचनसुर, आर शंकर और लक्ष्मण साउदी के इस्तीफों के कारण विधान परिषद की सीटें खाली हुई हैं। तीनों ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ साउदी जीत सके, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार चिंचनसुर और रानी बेन्नूर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आर शंकर हार गए। अधिसूचना 13 जून को जारी की जाएगी और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 जून है। नामांकन पत्रों की जांच 21 जून को होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 23 जून है। मतदान 30 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा, जिसमें विधानसभा के सदस्य हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।